फॉल्कन और बक्की आपस में कैप्टन बनने के लिए लड़ रहे थे। फॉल्कन कहता है मैं अगला कैप्टन बनूंगा और बक्की कहता है कि मैं अगला कैप्टन बनूंगा। बीच में बुड्ढा कैप्टन अमेरिका उनको देख रहा होता। फॉल्कन कहता है हाइड्रा ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया था और बक्की कहता है मैं कैप्टन के साथ तब से हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। कैप्टन कहता है तुम लोग आपस में मत लड़ो। लेकिन फॉल्कन कहता है मैं अगला कैप्टन हूँ और बक्की कहता है मैं अगला कैप्टन। दोनों आपस में मैं हूँ करने लग जाते हैं। तभी आवाज आती है बहुत हुआ। वे दोनों जब उसकी तरफ देखते हैं तो सामने दो कैप्टन होते हैं। बक्की कहता है मुझे ये दो दिखाई दे रहे हैं। फॉल्कन कहता है ये कैसे संभव है। तभी कैप्टन कहता है तुम लोग आपस में और मत लड़ो हम सब कैप्टन अमेरिका हैं। तभी हमें एक दूसरा प्लेनेट दिखाया जाता है जिससे थानोस आजाद होता है और कहता है मैं काफी समय से क्वारंटाइन था अब मैं आजाद हूँ। निक फ्यूरी आयरन मैन को कहता है थानोस भाग गया है सभी को इकट्ठा करो हमें सुपर सोल्जर की जरूरत है। सभी इकट्ठे होते हैं। निक फ्यूरी कहता है तुम सब कैप्टन अमेरिका हो तुम्हारा टेस्ट होगा जो एलियन फोर्स के बीच है तुम अपने नए साथियों से मिलो। तभी सामने से आयरन मैन की टीम आती है। निक फ्यूरी कहता है ये है टीम आयरन मैन। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।